मैम ये आज की हिसाब ठीक है ठीक है। मैम दो मिनट बात करनी थी आपसे। बैठो जरा श्री बोल। अभी जो पेशेंट बाहर गए ना उनको हम लोगों ने जो आपने जो टैबलेट दिया कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट वो टैबलेट के बारे में थोड़ा बात करनी थी। हाँ बोलो। पेशेंट जब टैबलेट देते हैं ना तो पेशेंट बाहर क्या क्वेश्चन करते हैं कि जो टैबलेट आप देते हो वो टैबलेट के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना लेने के बाद। सेफ्टी के बारे में पूछते हैं। सेफ्टी के बारे में पूछते हैं। और लेने के बाद कंसीव का प्रॉब्लम लेने के बाद या बंद करने के बाद और पीरियड्स का कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होती। ठीक है। अच्छा और राजश्री आपने जो है ये पॉइंट जो है रेज किया और अभी भी मैंने पेशेंट को सब टैबलेट समझाया है तो इसलिए मैंने सब बाहर निकाल के रखा है तो मैं आपको बताती हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप ये बात उनको अथॉरिटी के साथ और बहुत अच्छे से समझाइए कि गर्भ निरोधक गोलियाँ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का एक बहुत ही सेफ तरीका है। ठीक है ये टैबलेट जो है वो 28 टैबलेट का भी पैक हो सकता है और 21 टैबलेट्स का भी पैक हो सकता है। स्टार्ट करने का दिन जो है वो पहला दिन है जैसे पीरियड आता है और 28 टैबलेट्स का जो पैकेट है वो तो लगातार ही लेना होता है लेकिन जो 21 डेज का टैबलेट है उसमें एक पैकेट के बाद दूसरे पैकेट के बीच में एक हफ्ते का गैप रखना होता है। सेफ्टी इंडेक्स 100% है हेल्थ वाइज भी और प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन भी 100% है। ठीक है इसके साथ साथ हमें उन्हें ये भी समझाना है कि जब तक उन्हें माँ नहीं बनना है तब तक वो इस टैबलेट को ले सकती हैं चाहे वो 6 महीना हो 1 साल हो 2 साल हो और जब वो चाहती हैं कि उन्हें अब प्रेगनेंसी का चांस लेना है तो वो जो भी पैकेट उनका चल रहा है वो पैकेट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो नेक्स्ट पैकेट नहीं स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट मंथ से ही वो प्रेगनेंसी का चांस ले सकती हैं ना तो उनके ऊपर और ना ही आने वाले प्रेगनेंसी को इसका कोई भी बुरा इफेक्ट है। ठीक है तो आप हक से सब पेशेंट को जिनको भी मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिखती हूँ आप उन्हें काउंसिल कीजिए और उन्हें अच्छे से समझाइए कि ये टैबलेट बर्थ कंट्रोल पिल्स एक बहुत सेफ मेथड है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का। ठीक है और कुछ थैंक यू मैम ओके बाय।